तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपीएल 2024 के ट्रेड विंडो और रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों को लेकर के शाम तक कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट आ सकती है और कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव खिलाड़ी जिनको आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में खरीदा गया था उनके रिलीज होने के ऊपर भी बड़ी अपडेट आ सकती है। और ऐसे ही तीन बड़ी अपडेट अब हमारे सामने आ गई हैं काफी क्रेडिबल सोर्सेज से, और फटाफट से इन तीन अपडेट्स को मैं आपको बताऊंगा और उसका एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है और आने वाले 24 से 36 घंटों में और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल करके आ सकती हैं। तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, बिकॉज ट्रस्ट मी सबसे तेज न्यूज और एनालिसिस आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से जुड़ी हुई आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द अपडेट नंबर वन। सबसे पहली अपडेट निकल करके आ रही है आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों के रिलीज होने को लेकर के, और क्रिक बस की रिपोर्ट ने इस बात को बताया है कि सैम करन और हैरी ब्रुक जैसे एक्सपेंसिव प्लेयर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स से रिलीज किए जा सकते हैं, और उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स भी अपने कुछ ओवरसीज खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है जिसमें से सांडा मगाला, काइल जेमिसन, ड्वेन प्रिटोरियस और बेन स्टोक्स के नाम भी शामिल हैं। बेन स्टोक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन ड्वेन प्रिटोरियस और सांडा मगाला को रिलीज करके ये टीम अपने कुछ और ओवरसीज स्लॉट को फ्री कर सकती है। लेकिन हमें ध्यान ये देना होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने अच्छा खासा बजट अपना शुरुआती में खर्च कर दिया था, 13.25 करोड़ में उन्होंने हैरी ब्रुक को खरीदा था, और एक सीजन के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने बहुत ज्यादा ओवर पे किया था और युवा खिलाड़ी जो कि भारत ने बहुत ज्यादा नहीं खेला है उसको रिलीज करके वो अपना और ज्यादा बजट फ्री करने को यहां पर देख रहे हैं। वहीं और सैम करन के भी पंजाब किंग्स से रिलीज होने की खबर निकल करके आ रही है, बिकॉज पिछले आईपीएल में उस स्तर पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी पंजाब किंग्स ने एक्सपेक्ट की थी। वहीं वर्ल्ड कप 2023 में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और उसके बाद उनको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया है। ऐसे में आईपीएल 2023 के दो सबसे एक्सपेंसिव इंग्लिश खिलाड़ी यानी कि हैरी ब्रुक और सैम करन अपने अपने फ्रेंचाइजी से रिलीज किए जा सकते हैं, और इसके अलावा मयंक अग्रवाल, राज अंगद बाबा जैसे खिलाड़ियों का भी हैदराबाद और पंजाब से रिलीज होने की खबर निकल करके आ रही है, विच इज अ ह्यूज डेवलपमेंट इन द आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर लोकी फर्गसन, टिम साउदी और शार्दुल ठाकुर को रिलीज किए जाने की खबर भी क्रिक बस ने रिपोर्ट की है। लेकिन यह भी साथ में बताया जा रहा है कि आंद्रे रसल को रिलीज करने की जो बात निकल करके आ रही थी उसको थाम लिया गया है, और कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि इस साल वो रसल को रिलीज नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये बात पूरी तरीके से तय है कि लोकी फर्गसन यहां पर रिलीज होने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से, उनके साथ टिम साउदी भी रिलीज होंगे। उसके अलावा शाकिब अल हसन और लिटन दास जैसे खिलाड़ियों की न्यूज में आपको पहले ही दे चुका हूं। तो ढेर सारे ओवरसीज स्लॉट यहां पर फ्री किए जा सकते हैं, और अब चूंकि शार्दुल ठाकुर के रूप में उन्होंने अपने एक ऑलराउंडर को रिलीज करने का फैसला कर लिया है और आंद्रे रसल को होल्ड करने का डिसीजन लिया है, यानी कि जो दो उनके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे उसमें से एक का जाना तय था, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि आंद्रे रसल नहीं, शार्दुल ठाकुर हमारी टीम से अलग होने वाले हैं। ऐसे में अब ये बात और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है कि 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स एक मोटे बजट के साथ उतरने वाली है। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से, जहां पर इस बात को एक बार फिर से क्रिक बज़ ने ही रिपोर्ट किया हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स कुछ बड़े ही मार्की खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2024, और एक बड़े ओवरहॉल की तरफ डीसी बढ़ रही है। यानी कि अभी तक पृथ्वी शॉ को और मिचेल मार्श को रिटेन या रिलीज करने को लेकर के टीम में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ यह चीज जरूर हो गई है कि मनीष पांडे रिलीज होने वाले हैं, सरफराज खान रिलीज होने वाले हैं, हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद लुंगी एनगीडी का भी नाम इसमें है, मुस्तफिजुर रहमान का भी नाम इसमें है, चेतन साकरिया का भी नाम इसमें है, और उसके साथ साथ आप इसमें पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श का नाम भी जोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नाम को किसी भी सोर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के रिवील नहीं किया है, तो हम किसी भी प्लेयर पर यहां पर आग बंद करके नहीं कह सकते कि हां ये खिलाड़ी रिलीज होगा या वाई खिलाड़ी रिलीज होगा। लेकिन हां, पृथ्वी शॉ के रिलीज होने की बात जरूर यहां पर निकल करके आ रही है, और मिचेल मार्श के ऊपर भी अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक बार फिर से ऑफिशियल न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात पूरी तरीके से फिक्स है कि आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा एंटरटेनिंग
लीग और ज्यादा बड़े खिलाड़ियों से भरा हुआ होगा। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जेराल्ड कोजिया, रचिन रविंद्र, ट्रेविस हेड, ये सारे खिलाड़ी ऑलरेडी आ रहे हैं मिनी ऑक्शन में। और उसके ऊपर से अगर हैरी ब्रूक, सैम करन, ये सारे खिलाड़ी भी रिलीज हो जाते हैं, मयंक अग्रवाल, लोकी फर्गसन, टिम साउदी, तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी और इसकी सारी अपडेट आपको कहां जानने मिलेगी? फाइव स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट आने वाले एक से दो दिनों में आपके लिए इस चैनल पर आपका इंतजार करती रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।